तो यहाँ पर अपने पास एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो अपन को क्या बोल रखा है, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद लीडिंग कोफिशिएंट यूनिटी सच दैट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज ए फैक्टर ऑफ दिस। एफ ऑफ एक्स माइनस फोर एंड एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इज ए फैक्टर ऑफ दिस। तो अपन को इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बतानी है। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकता है। तो जो मैं एफ ऑफ एक्स माइनस फोर इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बाई क्वाड्रेटिक यानी 4 डिग्री का है, तो 2 डिग्री तो यहाँ पे आ गए और एक 2 डिग्री का यहाँ पर भी आएगा कुछ। तो उसको इस तरीके से लिख देता हूँ, लीडिंग कोफिशियंट 1 है इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है। ओके, अब यहाँ पर देखता है इसी तरीके से मैं एफ ऑफ एक्स प्लस टू भी लिख सकता हूँ, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखता है ये फर्स्ट इक्वेशन अपनी, ये सेकंड इक्वेशन है। जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें अगर x इज इक्वल टू 1 पुट कर दूं तो f ऑफ 1 की वैल्यू 4 आ जाएगी, और अगर तुम इसको डिफ्रेंशिएट करो तो f डैश x में अगर अपन f डैश x निकालो तो क्या आएगा, पहले तो वो निकाल लेता है। इस तरीके का आएगा, और x की वैल्यू मैं 1 पुट कर दूं तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे जो f डैश 1 है वो 0 आएगा। तो ये दो चीजें अपन को पता चली। अब क्या करेंगे अपन इस इक्वेशन में पुट करेंगे ये चीजें। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन में एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो मेरे पास क्या क्या बनेगा, एफ ओ 1 प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस क्यू प्लस आर बनेगा। यहाँ पे तुम एक्स की वैल्यू 1 पुट करके देख सकते हो ये बना। तो एफ ओ 1 की वैल्यू तो अभी अपन ने देखी कितनी आई थी, 4 आई थी। यहाँ से जो क्यू प्लस आर है वो कितना आ गया, 5। एक तो ये चीज आ गई, और क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करो इस चीज को। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर 2x प्लस क्यू एंड एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस टू, और एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दो तो उससे क्या बनेगा इधर वो देखते हैं। तो यहाँ पे बनेगा 2 प्लस क्यू और इधर बनेगा -2 टाइम्स 1 प्लस क्यू प्लस आर। इस तरीके से यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 पुट करने पर आया और ये इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से देखते हैं क्या बन रहा है, -Q -2R इज इक्वल टू 0, यानी क्यू इज इक्वल टू -2R आ रहा है, ये चीज बन रही है। और अपने पास एक इक्वेशन ये आई, तो यहां से देखते हैं अपने पास आर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू -5 एंड क्यू की वैल्यू 10 आएगी। और फिर अपन यहाँ पे देखते हैं जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे इसको चेक करता है। तो जो अपना बाई क्वाड्रेटिक थी तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स देखते हैं क्या बनेगा। तो एफ ऑफ एक्स यहाँ से बनेगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 10x-5, और ये 2 भी इधर ले जाऊंगा तो -2। और यहाँ पे पुट करूँ तो मैं अगर ये चेक करूँ तो सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा, 0 to 3 एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, और जिसको तुम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो। तो होप तुम्हें यहाँ पे अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई क्वेरी हो तो पूछो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।